सो लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करेंगे अगर हमें लिस्ट बनाना होगा तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बनाएंगे राइट ओके आगे भी डेटा आइटम हम स्टोर कर सकते हैं अब डेटा आइटम का मतलब डेटा सिंपल डेटा जैसे नंबर डेटा है स्ट्रिंग डेटा है पॉइंट वाला नंबर भी डेटा है एक नंबर है 56, फिर एक बुलियन वैल्यू है ट्रू देन सपोज कोई स्ट्रिंग है हेलो देन अगेन कोई पॉइंट वाला नंबर है जैसे 87.65 तो यहां पे देखो मैंने अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर किया है पहला 56 इसमें पॉइंट नहीं है मतलब इंटीजर डेटा हुआ दूसरा ट्रू बुलियन डेटा तीसरा हमारा सिंगल कोटेशन में हेलो यानी स्ट्रिंग डेटा एंड फोर्थ 87.65 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा सो लिस्ट में लिस्ट हम कैसे बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसमें हम कई सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं और अलग 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 तरीके के अलग अलग टाइप के डेटा एक लिस्ट के अंदर हो सकते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है इसमें देखो फिफ्टी सिक्स अलग है इंटीजर है ट्रू बुलियन है एटी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव है सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है सो डेफिनेशन में आगे वही दिया है डेटा आइटम ऑफ एनी डेटा टाइप मतलब एक लिस्ट में अलग अलग तरह के डेटा हम रख सकते हैं बट मतलब इंटीजर टाइप और वेरियबल बना लेता हूं माइ लिस्ट एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर और जब मैं इस सेल को रन करूंगा स्विफ्ट एंटर सो माइलिस्ट में हमारा लिस्ट स्टार हो गया अब सॉरी uh, स्टोर हो गया अब जहां पे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं इसको बोलते हैं हम जुबिटर नोटबुक अगर नहीं पता जुबिटर नोटबुक को कैसे यूज करते हैं और इंस्टॉल कैसे करेंगे तो इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके देख सकते हो सो so, अब अगर इस लिस्ट को हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे माई लिस्ट हां पाइथन फंक्शन जो है प्रिंट का उसका भी यूज कर सकते हो प्रिंट पैरथिसिस ओपन एंड देन िस क्लोज स्विफ्ट एंटर देखो हमारा आउटपुट आ गया 56 ट्रू हेलो 87.5 और मैं बता चुका हूं कि जुपिटर के फीचर है कि अगर किसी वेरिएबल की को प्रिंट करना है तो जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट फंक्शन का यूज करो सिंपल वेरिएबल को लिखो और सेल को रन कर दो आउटपुट तब भी आ जाएगा ओके सो ये हमारा लिस्ट है अब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकता है ओके जैसे मैं एक और लिस्ट बनाता हूं माई न्यू लिस्ट माई न्यू अब इस लिस्ट में पुराने लिस्ट का तो हमें पूरा डेटा चाहिए प्लस दो और नंबर स्टोर करना है मान लो तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज ठीक है अब पहला इसमें हो जाएगा जो पुराना हमारा लिस्ट है जो क्या है माई लिस्ट सो माई लिस्ट ओके कॉमा अब जो तुम्हें अलग से नंबर स्टोर करना है क्या स्टोर करना है सपोज 54 और एक और वैल्यू हमें बुलियन वैल्यू फॉल्स स्टोर करना है ठीक है हर वैल्यू के बीच में कॉमा रहेगा इसको स्विफ्ट एंटर सेल रन कर गया अब अगर मैं माइ न्यू लिस्ट को रन करता हूं एंटर तो देखो एं नेस्टेड लिस्ट हो गया मतलब लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है ठीक है और इसके अलावा मतलब अगर माइ न्यू लिस्ट की बात करूं तो इसके अंदर तीन आइटम है पहला कौन सा पहला आइटम हो गया दूसरा 54 और तीसरा फॉल्स ओके सो अगेन एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट फिर उसके अंदर भी लिस्ट कितने भी लिस्ट हो सकते हैं तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या होता है राइट right? सो so, अब लिस्ट के आइटम को हम एक्सेस कैसे करेंगे जैसे मान लो मैं ऊपर वाले लिस्ट का एग्जांपल लेता हूं माय लिस्ट का सो so, मुझे माय लिस्ट में से पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है सो so, देखो लिस्ट में हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है सो so, हमारे इस लिस्ट में जो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 56 का वो जीरो होगा True का वन होगा हेलो का हेलो का हमारा टू होगा और एटी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव का थ्री होगा तो इंडेक्स हमेशा जीरो देन फोर तो अगर माय लिस्ट का सपोज हमें 56 को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे माय लिस्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर इंडेक्स क्या देंगे जीरो सिफ्ट एंटर करो देखो आ गया फिफ्टी अगर चाहो इसको तो प्रिंट में भी लिख सकते हो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में लिख रहे हो तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा तभी आउटपुट दिखेगा ठीक है आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो इस डेटा को आप चाहो तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके यूज कर सकते हो जैसे आ, वैल एक मैंने वेल नाम का वेरिएबल ले लिया इस सेल को रन करते हैं और अब मैं अगले सेल में लिखता हूं यहां पे वेल वी ए एल स्विफ्ट एंटर देखो 56 आ गया ठीक है अच्छा मान लो आ, हमें माई न्यू लिस्ट का 54 को हमें प्रिंट करना है ओके okay. तो 54 का इंडेक्स क्या होगा अब ध्यान से सोचना अब माय न्यू लिस्ट में पहला एलिमेंट खुद ही एक लिस्ट है ठीक है तो इस पहले एलिमेंट जो लिस्ट है उसका इंडेक्स हो जाएगा जीरो 54 का इंडेक्स होगा वन और फॉल्स का फॉल्स का इंडेक्स होगा टू तो अगर मुझे माय न्यू लिस्ट और मुझे 54 को अगर प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्स दूंगा वन ठीक है देखो स्विफ्ट एंटर 54 अच्छा सपोज हमें जो हमारा न्यू uh, लिस्ट है इसमें जो हमारा है 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 इसका एक element hello, इसको print करना है, तब कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे ठीक स्क्वायर ब्रैकेट अब हमें सबसे पहले तो जो nested inner वाला लिस्ट है, इसके, इसका तो इंडेक्स क्या होगा जीरो माइन्यू लिस्ट में इसका इंडेक्स जीरो है अब

लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे और लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे इसके अलावा लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं जो पाइथन ने आपको प्रोवाइड किया है जिससे आप लिस्ट को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो दूसरा अगर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है तो आप उसको फॉर लूप से प्रिंट कर सकते हो इसके बारे में मैं, इसके बारे में बात मैं अगले वीडियो में करूंगा मैं लिस्ट पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लिस्ट को कैसे हम इटरेट कर सकते हैं लूप की हेल्प से लिस्ट पे और दूसरा लिस्ट के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो थैंक यू